जी हम मोहल्ला वेलफेयर कमेटी पोनीचक बंड बजीरा से यहाँ पे आपके पास एक प्रार्थना लेके आए हैं। हमारे वहाँ पे एक जमीन का टुकड़ा है, 6 कनाल कुछ मरले का है और वो कस्टोडियन लैंड है। वो कस्टोडियन लैंड जो है वो वहीं के निवासी श्यामलाल हैं, उन्होंने उस मकान को जगह को ऑक्यूपाई किया हुआ है और आधी से जगह उन्होंने वहाँ पे अपना मकान वहाँ बना दिया हुआ है। जब इन्होंने मकान का काम शुरू किया था उस वक्त हमने अलग अलग डिपार्टमेंटों में जाके अप्रोच किया था कि ये कस्टोडियन लैंड जो है कि एक आदमी कैसे ग्रैब कर सकता है, कैसे इसका मालिक बन सकता है। सबसे पहले हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाके इसका रिकॉर्ड निकाला, एप्लीकेशन देके, तो वहाँ पे लिखा गया था कि ये कस्टोडियन लैंड ही है, ये किसी के नाम की अलाट नहीं हुई। उसके बाद हम कस्टोडियन ऑफिस में गए, हमारे पास सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, हमने एप्लीकेशन 2-4 बार एप्लीकेशन वहाँ पे दी हुई है, मगर उसके बावजूद वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ। वहाँ के कस्टोडियन साहब ने कहा जी आप लोग जाइए, आपका हम काम कर लेंगे। वो उन्होंने आज की डेट में भी अभी भी उनकी कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है, ताकि कोई वहाँ पे कोई ऐसा कोई आपस में कोई 2 फुट ना बिड़ जाए। हम कम से कम 50 आदमी उस टाइम कस्टोडियन साहब के पास गए थे फॉर लीगल एक्शन के लिए। आज की डेट में जो 2 कनाल कुछ मरले जगह बची हुई है और वो जो लैंड थी वो पहले ही हमारे कॉमन पर्पज़ के लिए काम आती थी, जिसमें छोटे गरीब लोग हैं उनकी बच्चियों की शादियों पे वहाँ पे टेंट वगैरह बरात का अरेंजमेंट वहाँ पे होता था। बच्चे आज भी वहाँ खेलते हैं, वहाँ नेट की प्रैक्टिस हो रही है। और हमारा जो बाकी हम मोहल्ले वाले हमने एक कमेटी में जहाँ हमने फैसला किया था कि ये कमेटी अब लास्ट ये जो हमारा ये अब जो आपके पास आने का यही मकसद था कि जो 2 कनाल और कुछ मरले जो जगह बची हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका कुछ प्लान हो। हमने ये सुना भी है कि वो तार लगाने का प्रबंध कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पे फेंसिंग कर देंगे। अगर वो फेंसिंग होनी है तो 6 कनाल का जो पूरा रकबा है, खसरा नंबर जो हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं आपके प्रेस रिलीज में, वो पूरी की पूरी 6 कनाल जगह को ही फेंसिंग की जाए और जो 2 कनाल जगह है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो जगह है बची हुई जगह है उसका हमें यह है कि हम उसको बच्चों का प्लेग्राउंड बन जाए, कोई कम्युनिटी हॉल बन जाए, कोई पार्क बन जाए, ताकि वो पूरे समाज के लिए काम आए।